खबर बेतिया से है, जहां हमारे संवाददाता सलमान खान ने बताया कि बेतिया की हर जगह शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का एक महीने का पवित्र रमजान का महीना में 5 जुम्मा पड़ने से रोजेदारों के बीच बड़ी खुशी का माहौल है। इस वर्ष रमजान का पवित्र महीना पवित्र दिन जुम्मा से आरंभ होकर जुम्मा के दिन ही समाप्त हो गया। पवित्र रमजान का आखिरी जुम्मा जमीतुल विदा की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों में समय से पूर्व ही उपस्थित होकर अपनी अपनी जगह बना रहे थे। अलविदा की नमाज अदा करने के लिए शहरी क्षेत्रों की सभी मस्जिदों में विशेष प्रबंध किए गए थे, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए दरी, चादर, चटाई, जानमाज, गर्मी से बचने के लिए तिरपाल, सेट, लाउडस्पीकर, माइक इत्यादि का विशेष प्रबंध किया गया था। इस अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के युवकों ने वॉलंटियर की एक टीम बनाकर अपनी पैनी नजर रखे हुए थे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन को भी बहुत सख्त चौकसी के साथ मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान लगाए गए थे। सभी चौक चौराहों पर नमाजियों की आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आई। एक घंटे के समय के अंतराल में इस अलविदा की नमाज की अदा करने के लिए सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों की एक अपार भीड़ उमड़ी हुई थी, जिसे नियंत्रण करने के लिए मुस्लिम समुदाय के युवकों वॉलंटियर्स के रूप में चारों तरफ काम कर रहे थे। शहर के बड़ी मस्जिद, जंगी मस्जिद, महावर टोली मस्जिद, उज्जैन टोला मस्जिद, कालीबाग मस्जिद, पुरानी मस्जिद, नया टोला मस्जिद, मनसा टोला मस्जिद, छावनी मस्जिद, बस स्टैंड मस्जिद के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के बैरिया प्रखंड की पुजहा, पटजिरवा, नौतन प्रखंड क्षेत्र के डबरिया एवं नौतन प्रखंड एवं जिला के सभी मस्जिदों में अपार भीड़ नमाज अदा करने हेतु जमा हुई थी। इस मौके पर सभी मस्जिदों के इमाम इस पवित्र रमजान की सारी अच्छी बातें बता रहे थे, अलविदा की नमाज अदा करने के लिए सारी गाइडलाइंस दे रहे थे। साथ ही पवित्र रमजान के रोजा रखने से क्या क्या लाभ होता है, क्यों अल्लाह ताला ने रमजान का रोजा सभी मुस्लिम मर्द और औरतों और बच्चों पर फर्ज किया है, ताकि इस महीने में सभी लोग अल्लाह की इबादत करके अपनी गुनाहों से तौबा करें और हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो सके। इस महीने में गरीब, लाचार, बेसहारा, वृद्ध, अपंग, पुरुष और महिला के बीच अपनी जकात और फितरा का रकम अदा करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि ईद पर्व की खुशी इन लोगों को भी अच्छी तरह हासिल हो सके। इसके अलावा जो भी चीज हमारे अपने पास है, हजारों लाखों की तादाद में खाने की अशियाएं, एक से हमारे पास व्यवस्थाएं, उसमें इतनी इंतजाम नहीं था। सबसे कम तर, सबसे गरीब तबके के लोग कम से कम 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसका 2 गुना जौ अदा कर दे, एक आदमी का फितरा अदा हो जाए। और यदि जहां इस फितरा का हुक्म है, अल्लाह ताला उनको उससे भी अच्छा मकान अदा फरमाया है। कोई 500 रुपया रोज कमा करके जिंदगी काटता है, हम मजदूरी करता, सबसे कम वही कमाता है जो 500 रुपया 4